नमस्कार किसान भाइयों, टाटा रैलीज कंपनी के ताकत कवकनाशी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं। किसान भाइयों, किन फसलों पर इसका छिड़काव करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इस कवकनाशी में क्या टेक्निकल कंटेंट होता है, इस कवकनाशी की बाजार में लगभग कीमत कितनी है, इसका छिड़काव के लिए कितना डोज लेना चाहिए, इसके माध्यम से कौन से प्रकार के रोग नियंत्रित हो सकते हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो आप देखें, आपको ये अच्छा लगा तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों, टाटा रैलीज कंपनी के ताकत फंजीसाइड में कैप्टन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% वेटेबल पाउडर, इस फॉर्मुलेशन में ये दो टेक्निकल कंटेंट पाए जाते हैं। इस कवकनाशी के फायदों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू विभिन्न प्रकार के फसलों में लगने वाला एक कवक जनित रोग है, जो कवकों की एक विशेष श्रेणी मैस्टिगोमाइकोटिना से संबंधित है। ये रोग 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्रता पर होता है, तब ये रोग तेजी से फैलता है। इस रोग से पत्तियों में कुड़िए धब्बे बनने लगते हैं, जो बाद में पीले कुड़िए धब्बे में बदल जाता है। अधिक आर्द्रता होने पर पत्ती के निचले भाग में कवक की वृद्धि दिखाई देती है। किसान भाइयों, डाउनी मिल्ड्यू ज़्यादातर ठंडे नम मौसम में होती है। आमतौर पर शुरुआती वसंत या देर से गिरने में बीजन उत्पादन 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ठंडे तापमान और 100% तक पहुँचने वाली सापेक्षिक ह्यूमिडिटी से अनुकूल होता है। फंगस प्लाज्मोपोरा विटिकोला ग्रेपवाइन डाउनी मिल्ड्यू का कारक एजेंट है। किसान भाइयों, डाउनी मिल्ड्यू मुख्य रूप से सॉइल बॉर्न डिसीज है, मतलब मृदा जनित रोग है। इस रोग के रोगजनक परजीवी होते हैं, जिससे उगने व जीवित रहने के लिए होस्ट पौधों की आवश्यकता होती है। फसल में डाउनी मिल्ड्यू के रोग के लक्षण क्या होते हैं? किसान भाइयों, डाउनी मिल्ड्यू ये रोग बीज और मृदा से फैलता है। फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का सर्वप्रथम लक्षण उस समय पर दिखाई देता है जब पौधा अपनी दूसरी या तीसरी पत्तियों की अवस्था में होता है। रोग लक्षण के रूप में देखा जाए तो सर्वप्रथम पौधों की पुरानी पत्तियों के निचली सतह पर एक हरे से पीले रंग के धब्बा बनता है, जो अनिश्चित आकार के एवं बिखरे हुए हो सकते हैं। समय के साथ ये धब्बा बढ़ते हुए पीले रंग से भूरे रंगों में बदल जाते हैं। प्रारंभ में ये धब्बे पत्तियों के निचली सतह पर ही बनते हैं, लेकिन बाद में ये धब्बे पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों के जिस स्थान पर ये धब्बे बनते हैं, वहाँ पर पत्तियों के ऊतक भूरे हो कर सूख जाते हैं तथा संक्रमित ऊतकों की बाद में मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, डाउनी मिल्ड्यू का अधिक प्रकोप होता है तो 30-60% तक आपकी उपज में लॉस आता है। किसान भाइयों, टाटा रैलीज कंपनी का ताकत फफूदनाशी कैसे इस डाउनी मिल्ड्यू रोग पर नियंत्रण करता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखते हैं। किसान भाइयों, ताकत कवकनाशी वेटेबल पाउडर मतलब WP इस फॉर्मुलेशन में आता है, जिसमें हेक्साकोनाजोल 5% प्लस कैप्टन 70% WP, ये दो टेक्निकल कंटेंट होते हैं। इसकी वजह से एक कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क और दूसरा सिस्टेमिक कवकनाशी है, जो अधिकांश फसलों जैसे कि फलों, सब्जियों और कपास की फसलों में अधिकांश बीमारियों को नियंत्रित करता है। ये संपर्क और सिस्टेमिक क्रिया का एक अनूठा संयोजन है। टाटा कंपनी के ताकत फंजीसाइड इसमें अच्छा सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और निवारात्मक कार्रवाई करने का एक स्पोरुलेट मोड है। ताकत फंजीसाइड ये फलों और सब्जियों और विभिन्न अन्य फसलों पर पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रैग्नोज, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रे मिल्ड्यू रोगों के प्रबंधन के लिए अत्यधिक उपयोगी फंजीसाइड है। ये कवकनाशी मिट्टी और बीज जनित रोगों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। किसान भाइयों, बात करें ताकत फंगीसाइड के डोज की तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, या 15 लीटर पानी के पंप के साथ आप 30 ग्राम मिलाकर मिक्स कर सकते हैं। प्रति एकड़ क्षेत्र में 300 ग्राम
ताकत फंजीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ताकत फंजीसाइड का आप चावल, गन्ना, कपास, गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, सोयाबीन, करेला, भिंडी, मक्का, मूंगफली और सभी फलों, सब्जियों, इस फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इस ताकत फंगीसाइड के बेनिफिट्स मतलब फायदों की, तो फसल में छिड़काव के तुरंत बाद पौधों में फैल जाता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट तरीके से अपना काम करता है। पूरे पौधे में फैलकर ये फफूंद की रोकथाम करता है। सिस्टेमिक फफूंद नाशक होने की वजह से ये पौधे की तंत्रिका तंत्र में जाकर फंगस की रोकथाम करता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये फंगस की बाहरी कोशिकाओं तोड़कर फंगस की अंदर प्रवेश करता है और फंगस की मेम्ब्रेन को ख़त्म करता है। छिड़काव के तुरंत बाद ये अपना काम शुरू कर देता है, पौधे को तनाव से बचाता है। किसान भाइयों, ताकत फंजीसाइड का आप मिर्च की फसल में फल सड़न मतलब एंथ्रेग्नोज, आलू में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट रोग को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटकनाशकों के साथ इसको आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इसके कीमत की, तो ये आपको 250 ग्राम का पैकेट लगभग 250 रुपए के आसपास बाजार में उपलब्ध हो सकता है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही अन्य खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो और अपने अन्य किसान भाई से शेयर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने आपका कीमती समय निकालकर ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद।